और बाप? बाप का नाम क्या लिखें? कितनी कमाई की गंगूबाई ने पहले ही दिन, कंगना ने मारी ये कैसी पलटी। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। रिलीज के बाद से फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आलिया के फैंस तो पहले से ही इस फिल्म का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के थिएटर्स पर आने के बाद से ही सबकी नजरें बॉक्स ऑफिस पर टिक गई थी कि पहले दिन आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी क्या कमाल दिखाएगी। तो बता दें कि फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने शानदार ओपनिंग की है। कहा जा रहा है कि पहले ही दिन फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई के साथ बिजनेस शुरू किया है। गंगूबाई काठियावाड़ी ने ओपनिंग डे पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए जमाए हैं। फिलहाल कमाई का ये आंकड़ा सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ही सामने आया है। हालांकि इस फिल्म को लेकर अंदाजे लग रहे थे कि ये फिल्म 9.50 से 10 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेगी। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक आलिया भट्ट की फिल्म पैंडेमिक टाइम में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर रोहित शेट्टी की अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी ने 26-29 करोड़ रुपए कमाकर पहले पायदान को संभाला। दूसरे नंबर पर रणबीर सिंह की 83 ने 12.64 करोड़ रुपए के साथ कब्जा जमाया था। वहीं अब तीसरे नंबर पर गंगूबाई काठियावाड़ी 10.50 करोड़ रुपए के साथ आ खड़ी हुई है। और इतना दमदार प्रदर्शन करने के बाद ही ये वाहवाही आलिया की झोली में आ गिरी है। ऐसे में कुछ समय पहले सुर्खियां में रहने वाली कंगना रनौत, जो इस फिल्म को लेकर कह रही थी कि पापा की परी इस फिल्म के सारे 200 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, और अब वही पापा की परी ने कर दिया कंगना का मुंह बंद अपने किरदार से। जी हाँ, फिल्म को देखने के बाद कंगना ने अब खुद आलिया के किरदार की तारीफ करते हुए इनडायरेक्टली कहा। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, सुनकर अच्छा लगा कि थिएटर्स फिर से खुल गए हैं और साउथ की फिल्में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रही है। मैंने सुना है कि हिंदी बेल्ट में भी बच्चों की तरह कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक फीमेल सेंट्रल फिल्म के जरिए, जिसमें एक बड़ा हीरो और एक सुपरस्टार डायरेक्टर है, ये बेबी स्टेप्स जरूर है लेकिन ये महत्वहीन भी है। तो अब देखना है कि फिल्म आने वाले दिनों में और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। बता दें, संजय लीला भंसाली अपनी क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फैंस को संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी से हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जिसे उन्होंने पूरा किया है। फैंस थिएटर से इस फिल्म को देखने के बाद खुश होकर बाहर निकल रहे हैं। हालांकि गंगूबाई की कहानी दर्शकों की आंखें नम कर रही हैं, वहीं आलिया भट्ट ऑडियंस के दिलों में सीधा घर तक पहुंच चुकी हैं। आलिया की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है। फिल्म क्रिटिक्स ने भी कहा है कि वक्त के साथ साथ आलिया की एक्टिंग में भी परिपक्वता आ रही है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बता दें कि आपको क्या लगता है कि कितनी कमाई कर पाएगी ये फिल्म।